हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमर्स के लिए है, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, जो कि लास्ट टाइम पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रेक इवन मीन्स, तो ब्रेक इवन मीन्स क्या होता है? ब्रेक इवन मीन्स होता है वेयर रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट्स आर इक्वल। जहाँ पर रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट इक्वल होते हैं उनको ब्रेक इवन कहते हैं। आगे देखिए, गुडविल इज़ अ, तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है जिसको ना तो देखा जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करंट लायबिलिटी, तो इनमें से कौन सी करंट लायबिलिटी है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्नर वर्सेस मुरे रिलेट्स टू, तो गार्नर वर्सेस मुरे किससे रिलेटेड हैं? इनसॉल्वेंसी से। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनटेंजिबल एसेट्स यूजुअली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो वो आते हैं फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज इज शोन फर्स्ट व्हेन द एसेट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी, तो जब एसेट्स को उनके ऑर्डर में अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लिक्विडिटी, तो सबसे पहले क्या शो होता है? दैट इज़ कैश इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट इज़ ओनली, तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज़ ओनली अ स्टेटमेंट, और किसका स्टेटमेंट? फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीमिंग एंड लेडिंग रिलेट्स टू, तो टीमिंग और लेडिंग किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी, फ्रॉड्स रिलेटिंग टू द रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम डेप्टर्स, डेप्टर्स से जो मनी रिसीव होता है उसमें जो फ्रॉड किया जाता है उसी को टीमिंग एंड लेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, एसिड टेस्ट रेशियो, तो एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट्स रेशियो करंट लायबिलिटीज़, क्विक एसेट्स का प्रोपोर्शन करंट लायबिलिटीज़ से जब करते हैं तो उसको एसिड टेस्ट रेशियो कहा जाता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स सुपरवाइज्ड बाय मैनेजर, मैनेजर के द्वारा जितने सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज किया जाता है उसी को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमबीओ रेफर्स टू, तो एमबीओ का मतलब क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? मैक ग्रेगर द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ एमबीओ, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, तो किसके द्वारा लाया गया था ये? ऑप्शन सी, पीटर ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल ग्रिड हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय, तो मैनेजरियल ग्रिड का जो कंसेप्ट था किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कंसेप्ट दिया गया था ब्लैक एंड मॉर्टन द्वारा, जो मैनेजरियल ग्रिड का जो कंसेप्ट था वो ब्लैक एंड मॉर्टन द्वारा दिया गया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इससे पहले भी कॉमर्स के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अभी भी कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आपके लिए लास्ट टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अगर किसी जगह मिस्टेक आपको लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।